नमस्कार, वीकली एग्री रिव्यू में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते के अंदर मार्केट के अंदर हमने काफी बड़ा तेजी मंदी हमने आती हुई देखी, खास करके सभी एग्री के अंदर ऑलमोस्ट हमने ऐसा मोमेंटम बनते हुए देखा। खास करके अगर हम एक एक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सबसे पहले सोयाबीन में हमने देखा प्राइजेस 6650 का लेवल ओपन होने के बाद तुरंत रूप से हमने देखा एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी, जो 6060 का लेवल दिखाया और फिर से रिकवर करके मार्केट 6600 तक पहुंचता गया। कहीं ना कहीं 1.5% की गिरावट जरूर है, बट इस बीच हमने देखा राजस्थान में स्टॉक लिमिट लगा, साथ में 2 दिन पहले हमने जो तेजी देखी थी उसमें देखा कि जो पॉलिट्री इंडस्ट्री की डिमांड थी इंपोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं खारिज हुई होती हुई दिखाई दी, जिसके चलते प्राइजेस ने वापस लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं डिमांड आगे जाके कंटिन्यू रहेगी। सप्लाई डिस्टर्बेंस तो बना हुआ ही, और उम्मीद जो थी नवंबर मंथ में कि अराइवल सुधरेगी, वैसा कुछ हुआ नहीं। और साथ में हमने कुछ बौछारें जो आती हुई देखी और मौसम में जो बदलाव था इसका भी असर हमने सोयाबीन और बाकी क्रॉप पे भी पड़ते हुए देखा। वहीं अगर हम ओवरव्यू की बात करें सबसे पहले सोयाबीन, तो इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट दोनों को देखते हुए ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है। टेक्निकली लग रहा है 7000 से 7200 तक का लेवल दिखा दे जब तक प्राइजेस 6000 के ऊपर मेंटेन है। कैस्टर काफी सुस्त था, ट्रेडिंग में कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं थी, 6550-60 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, 6350 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। एज ऑफ नाउ मार्केट रेंज बाउंड है। इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी बहुत बढ़ी जरूर थी, बट कोरोना के कंसर्न की वजह से फिर से दबाव बना हुआ रहेगा, प्राइजेस रेंज बाउंड में रहेंगे। वहीं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम सीपीओ और रिफाइंड सोया की बात करें तो यहाँ पे हमने 1.5% की गिरावट आती हुई देखी। गवर्नमेंट एक्शन और साथ में सप्लाई थोड़ी बहुत इंप्रूव जरूर है, बट अभी भी कोरोना कंसर्न की वजह से एक तरफ तो डिमांड हिट हो रही है, बट लेबर कंसर्न और सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट भी मिल रहा है। तो आई थिंक प्राइजेस में कोई बड़ा चेंजेस रहना नहीं है, 1080 से लेकर 1140 का एक ब्रॉडर रेंज पाम ऑयल के लिए रहेगा। पाम ऑयल की डिमांड वैसे भी कम हो जाती है विंटर्स के अंदर, जिस ढंग से हम मौसम में बदलाव और विंटर हावी है, तो आई थिंक डिमांड में थोड़ा ड्रॉप देख सकते हैं। वही रिफाइंड सोया ऑयल में अभी भी हमें लगता है मार्केट का ध्यान तेजी का ही रहेगा, बट बड़ी तेजी के लिए 1240 का लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 1170 से 1240 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। मसालों की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने देखा सदर्न पार्ट में जिस ढंग से बरसातें पड़ी है, डैमेजेस हुआ है, इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव असर हमने पिछले हफ्ते में हल्दी में आते हुए देखा और प्राइजेस 7600 का लेवल क्रॉस कर गई थी, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल कैरियर स्टॉक और डिमांड को देखते हुए गिरावट जरूर आई थी। वॉलिटिलिटी थी, कहने का मतलब कि 7100 का लेवल दिखाकर फिर से 7600 पे फ्लैटिस बंद हुआ, जबकि जीरे धनिया में बड़ी तेजी के बाद मार्केट में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी। जनरली हम देखते हैं कि डिमांड काफी इंपॉर्टेंट है और जनवरी फरवरी में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कोरोना कंसर्न की वजह से कहीं ना कहीं प्राइजेस पे दबाव है। जीरे के अंदर रिकवरी शानदार इसलिए भी है कि चाइना से अगर हम जो क्वालिटी आईपीजी की बात करें, यहाँ पे हमने कुछ संशोधन होते हुए देखा जिसकी वजह से जीरे को एक सपोर्ट जरूर मिला और प्राइजेस 15500 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है दिसंबर मंथ में थोड़ा रिकवरी जरूर कर दे, बट बड़ी तेजी जनवरी फरवरी में भी बनती हुई दिखाई देगी। सेकेंडली एरिया अंडर कल्टिवेशन स्पाइसिस के लिए बताया जा रहा था कि 40-50% टूट सकता है, बट वैसा कुछ नहीं है, 20-25% टूट सकता है, जो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर गया। तो लोअर लेवल पे लॉन्ग टर्म बाइंग जरूर करना है, बट थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने बड़ी गिरावट देखी, 5-7% की गिरावट कंटिन्यू रही, टेक्निकली ओवरसोल्ड है, थोड़ा बहुत बाउंस मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, बट 5100-5200 का लेवल गवार सीड में और 8500 तक का लेवल हम गवार गम में देख पाएंगे। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक है, बट दिसंबर मंथ में जनरली सीजनैलिटी बताती है थोड़ा बाउंस आ जाए, बट लॉन्ग टर्म बाइंग अभी भी नहीं है। मेंथा एक रेंज में है, बट कहीं ना कहीं विंटर डिमांड इंप्रूवमेंट है जो प्राइजेस को 970 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन कॉम्प्लेक्स काफी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि जिस दिन से हमने बताया भी था कि 32000 से मार्केट एक बार टूटना चाहिए और 30000 तक का लेवल हमने आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं टेक्सटाइल डिमांड आगे जाकर और इंप्रूव होगी, अराइवल्स थोड़े से ड्रॉप हुए हैं और जो अनशेड्यूल्ड रेन हुआ है इसका भी खामियाजा हमने कॉटन के प्राइजेस में आते हुए देखा। इंटरनेशनल में भी हमने 1.02 सेंट तक प्राइजेस को रिट्रेस करते हुए देखा है। टाइमिंग मार्केट कंसोलिडेशन में है, बट कहीं ना कहीं वापस 34000 का लेवल जल्द हम कॉटन में आते हुए देखेंगे। 30000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, तो बाइंग करके चलिए। वही कॉटन सीड ऑयल केक में तेजी भरपूर है, 2850 और 2900 ये दो इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। लॉन्ग टर्म 4000 का लेवल मार्च तक दिखाएगा, बट टाइमिंग मार्केट थोड़ा भी पुलबैक दे वापस 2600-2650 तक तो लेके चलना चाहिए। इन ऑल एग्री कमोडिटी में वॉलिटिलिटी बनी हुई रहेगी। धन्यवाद।